जय श्री कृष्णा। आज हम गीता नाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 11-8 का राजनीति विज्ञान का अध्याय पहला क्यों व कैसे का जो अगला भाग है। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है और संविधान में सीमाएं या शक्तियों का वितरण कैसे किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि संविधान क्यों है, जैसे अगले भाग का समाज की आकांक्षाएं क्या है, संविधान क्या है, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, आकांक्षाएं और लक्ष्य यानी संविधान द्वारा हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। क्या आकांक्षाएं होती हैं और कुछ संविधान लक्ष्य भी देता है कि हमें अंत में यहाँ तक विकास तक पहुँचना है या ये चीजें हासिल करनी है। तो पहली चीज है आकांक्षा होती है कि निर्णय लेने की शक्ति, क्या है, निर्णय लेने की शक्ति। अर्थात संविधान हमें ये विकास देता है कि निर्णय कौन लेगा। तो हमारे यहाँ निर्णय लेने के लिए हमने मताधिकार के प्रयोग से अपने प्रतिनिधि चुने, यानी प्रतिनिधियों को चुने। हमारी सरकार प्रतिनिधियात्मक होता है। दूसरा ये होता है शक्तियों का भी वितरण होता है। क्या होता है, शक्तियों का भी वितरण होता है। अर्थात संविधान में शक्तियों को बांट दिया जाता है। और दूसरी आकांक्षा संविधान में क्या क्या होती है, जैसे समानता की भावना, ये हमारी आकांक्षा है और ये लक्ष्य भी है कि समाज के हर हिस्से को समानताएं प्राप्त हो। दूसरी है स्वतंत्रता, ये हमें मिले, हर क्षेत्र में आजादी मिले, हर क्षेत्र में अधिकार मिले। और ये भी हमारा लक्ष्य है कि संविधान द्वारा ये चीजें निर्धारित की जाए। तीसरा है पारदर्शिता अर्थात ट्रांसपेरेंसी, संविधान द्वारा भेदभाव को खत्म किया जाए, पारदर्शिता हो, सब लोगों का उसमें विश्वास हो। और क्या है, बुनियादी सुविधाएं अर्थात संविधान द्वारा न्यूनतम या आधारभूत सुविधाएं भी मिलती हैं। क्या मिलती हैं, सुविधाएं भी मिलती हैं, ये आधारभूत सुविधाएं भी संविधान में। लास्ट चीज होती है, संविधान का लक्ष्य भी है और हमारे लोगों की, जनता की भी एक आकांक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ अर्थात डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार हो। जीवन जिए, ऐसा नहीं जिए कि हम जी रहे हैं या जो चल रहा है उसको, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गरिमा और डिग्निटी के अनुसार जीवन जीने का भी अधिकार है। दूसरा अभी अगला पॉइंट है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। संविधान क्या होता है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान होते हैं। संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। पहचान अर्थात किसी भी राष्ट्र को एक संविधान होना चाहिए, उस राष्ट्र को देश दुनिया में उसके राजनीतिक आर्थिक जो लक्ष्य हैं या संबंध है दुनिया से जिसके साथ, वो उसके साथ उसकी एक बुनियादी पहचान भी है कि उसका एक संविधान भी होना चाहिए। संविधान है तभी तो वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगा, उसकी एक विकासशील प्रगतिशील और लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में पहचान होगी। तो राष्ट्र की बुनियादी की पहचान के लिए क्या होनी चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए सामूहिक पहचान होती है। हर देश में हर राष्ट्र में अलग अलग धर्म, अलग अलग मतावलियों, अलग अलग कबीलों, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं। उसको लोग जाने या ना जाने दुनिया, लेकिन कम से कम एक संविधान की पहचान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संविधान की एक सामूहिक पहचान होनी चाहिए उस देश की, कि इस देश में कम से कम ये नियम तो लागू है ही हैं। दूसरा होता है संवैधानिक नियम, क्या होनी चाहिए, संवैधानिक नियम। हर व्यक्ति के अपने अपने नैतिक धार्मिक या सांस्कृतिक नियम का आयोजन अलग अलग होते हैं, लेकिन संवैधानिक एक नियम भी है, ये भी दुनिया में एक आदर्श पहचान करता है। तीसरा है नैतिक पहचान, आप राष्ट्र के प्रति आपका क्या नजरिया है, ये भी संविधान द्वारा हमारा प्रदर्शित होता है। तो
ये आज के अध्याय का है। आगे हम इसी के अध्याय का पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में या दुनिया के संविधानों का क्या क्या महत्व और पहचान होती है, उसी के लक्ष्य में हम आगे ये देखेंगे कि हमारा संविधान में क्या क्या होता है, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। दूसरा क्या है, संविधान को प्रचलन में लाने का, प्रचलन में लाने का तरीका। तरीका अब देखो, संविधान को लागू कैसे किया जाए, प्रचलन में लाने का तरीका है, लागू कैसे। हम भी तो 1947 में जब आजाद हुए तब हमारा संविधान बना, उससे पहले अंग्रेजों का संविधान था, उससे पहले राजा महाराजाओं के मौखिक नियम थे, लेकिन जब हम बंदे बंधाए और पूर्ण रूप से लिखित संविधान में आए तब कोई कोई तरीका था जो हम लोगों पर लागू किया गया और हमने उसको कितना माना। तो संविधान को लागू करने के भी कई तरीके हैं। कुछ देश को संविधान बनाने के बाद उसको सैन्य शक्ति के द्वारा लागू करते हैं, अर्थात तानाशाही। क्या तानाशाही रवैये, जबरदस्ती की नहीं, आपको ये नियम मानना ही पड़ेगा। कुछ जगह पर कई देश ऐसे हैं जहाँ पूर्ण जनमत करवाया गया, जनमत करवाया गया कि भाई कैसा संविधान बनाए, संविधान कैसा हो, ये पहले लोगों से पूछा गया था, पूर्ण जनमत करवाया गया। तीसरा था होता है सहमति। क्या है, सहमति। तो हमारे देश का संविधान सहमति के आधार पर तय हुआ, इसके आधार पर हम जनता ने अपने नेताओं को सहमति दी। क्या दी, सहमति दी संविधान में, और उन नेताओं का प्रभाव भी था, उन नेताओं का प्रभाव भी था कि वो अपने लोगों के लिए है जो कुछ न कुछ काम करेंगे, तो ये सहमति के आधार पर भी ये चीज हुई थी। चौथा आपका लक्ष्य है संविधान में मौलिक प्रावधान। संविधान में मौलिक प्रावधान, प्रावधान अर्थात संविधान में कुछ ऐसे नियम कायदे हो जो न्यूनतम, कम से कम हर लोगों पर न्यूनतम सुविधाएं हो, या सुविधाएं या अधिकार हो जो सब लोगों को मिले, ताकि उस संविधान को कोई नकार नहीं सकते। और अल्पसंख्यक चाहे वो किसी भी आधार पर है, भाषाई आधार पर है, धार्मिक आधार पर है, सांस्कृतिक आधार पर है, या अन्य कोई आधार पर भी कोई अल्पसंख्यक है, वो ये कहकर नहीं निकाले साहब इसे मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसको लगना चाहिए कि इससे मुझे कुछ न कुछ मिल रहा है, मुझे कुछ न कुछ मिल रहा है, इसलिए वो समस्याओं को। फिर है नेक्स्ट, संस्थाओं का संतुलित, संस्थाओं का संतुलित रूपरेखा, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा अर्थात संविधान ने कुछ ऐसा ढांचा बनाया होगा जिसको लोग माने और उसको स्वीकार भी करें, और उस ढांचे से सब लोगों पर कम और अधिक प्रभाव पड़े। तो पहला संस्थाओं का संतुलित ढांचा क्या किया गया, जो बाध्यकारी नियम थे, क्या थे, नियम थे, उनको लचीलेपन में, इसमें लचीलेपन में बदला गया, अर्थात बाध्यकारी नियम भी होने चाहिए और लचीलेपन का भी नियम करना। दूसरा नियम रखा गया था केंद्रीयकरण, क्या रखा था, केंद्रीयकरण, अर्थात शक्तियों को एक जगह केंद्रित, लेकिन संतुलित व्यवहार देने के लिए वापस क्या किया गया, विकेंद्रीयकरण, क्या किया गया, विकेंद्रीयकरण किया गया। तीसरा इनमें यह भी दिया गया कि है जो कम और अधिक समय, क्या, निश्चित समय, लेकिन कहीं पर छूट का प्रावधान दिया गया, तो इस तरह से एक संतुलन लाने का प्रयास किया गया, और इस तरह से ही किसी देश का संविधान प्रचलन में आता है, धीरे धीरे वो लोगों को स्वीकार्य होता है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। धन्यवाद।